मैच नंबर 16 खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स बनाम कोलकाता किंग राइडर्स के अंदर। तो मुकाबला में होने वाली है बहुत ही बड़ी टक्कर, दोनों टीम के अंदर कर लेंगे आज विस्तार से बात, क्या होगी कोलकाता की प्लेइंग 11, क्या होगी दिल्ली की प्लेइंग 11, दोनों टीम के अंदर स्टार्स को हम लोग बताएंगे। उसके साथ पिच रिपोर्ट क्या है भाई साहब, इस पिच में क्या कुछ रन होता है, कितना विकेट मिलता है, फास्ट बॉलर को विकेट मिलता है, तो स्पिन को सब कुछ जानकारी आप सभी को आज किसी वीडियो में देने वाले। उसके लिए आप लोग क्या करना, वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर जोर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में आप सभी को सबसे पहले ताजा खबर मिल जाती है और क्रिकेट की ताजा खबर आप सभी को टेलीग्राम में मिल जाती है। तो टेलीग्राम के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप लोग जाकर जरूर चेकआउट कर दीजिएगा। भाई साहब आप लोग जानते हो कि आईपीएल 2024 चल रहा है, आईपीएल 2024 से कितना खतरनाक हो रहा है भाई साहब आप लोग जानते हो, और कोलकाता किंग राइडर्स अभी रिसेंट 2 मुकाबला जीत कर आ रही है, दिल्ली कैपिटल्स से 1 मुकाबला जीत कर आ रही है। तो बहुत बड़ी टक्कर होने वाली है, दिल्ली कैपिटल्स अपने जीत के साथ शुरुआत कर चुके हैं, यानी 2 मुकाबला पहले हार के उसके बाद चेन्नई को हरा कर आ रही है, उसके बाद अभी कोलकाता किंग राइडर्स के सामने जो कि खड़ा होने वाले दिल्ली कैपिटल्स। दोनों टीम के अंदर प्लेइंग 11 के ऊपर चर्चा करेंगे, सबसे बात कर लेते दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11। तो दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 ने डेविड वार्नर के साथ हम सभी को पृथ्वी शॉ नजर मांगे, ये बात आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी शॉ किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, किस प्रकार से आक्रमकता बल्लेबाजी करते हैं, और हम सभी को पृथ्वी शॉ नजर मांगे, उनके साथ डेविड वार्नर नजर मांगे जो कि खतरनाक बल्लेबाजी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। उसके साथ हम सभी को टॉप ऑर्डर में दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 ने नजर मांगे कौन भाई साहब, मिचेल मार्श नजर मांगे जो कि काफी शानदार ऑलराउंड की पारी निभाती है और बहुत बड़े बल्लेबाजी एफर्ट को डालते हैं। और उसके साथ नंबर 4 के भाई साहब मध्यक्रम में कप्तान आ जाएंगे, यानी कप्तान ऋषभ पंत आ जाएंगे, और पिछले मुकाबले में दिखा दिया भाई साहब किस प्रकार से फॉर्म उनके अंदर है, और बहुत बड़ी वापसी और बहुत बड़े विकेट कीपिंग के साथ वो अभी पुरानी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। और पिछले मुकाबले में जो कि 50 जड़े थे ना, जो 50 जड़े थे, बहुत बड़े शानदार था, इस पर हम लोग को नजर मारे कि ये बहुत बड़े खिलाड़ी है और बहुत बढ़िया जो कि पारी को लेकर आ रही है, बहुत बड़े फॉर्म को लेकर आ रही है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत के बाद हम सभी को नजर मारेंगे ना ट्रिस्टन शूप नजर मारेंगे जो कि नंबर 5 के ऊपर खेलते हुए नजर मारेंगे, जो कि बहुत बड़े खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, बात आप लोग जानते हो। उसके साथ हम सभी को अभिषेक परोल नजर मारेंगे जो कि विकेट के ऊपर बल्लेबाज है, लेकिन विकेट के आप लोग जानते हो कि ऋषभ पंत करते हैं, लेकिन अभिषेक परोल नजर मारेंगे जो कि अपने खतरनाक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करेंगे और बहुत बड़े एफर्ट दिलाएंगे। और उसके साथ हम सभी को प्लेइंग 11 के अंदर ऑलराउंडर के तौर पर अक्षर पटेल नजर मारेंगे, और जो कि जाकर लो रडर में बहुत बड़े धमाल मचाती है, ये बात आप लोग जानते हैं। तो उनके साथ प्लेइंग 11 के अंदर कुलदीप यादव नजर मारेंगे गेंदबाजी के स्पॉट में, गेंदबाजी के तौर पर, और उसके साथ कुलदीप यादव के बाद हम सभी को आंड्रेस नटराज नजर मारेंगे जो कि काफी शानदार खतरनाक गेंदबाजी करती है और बहुत बड़े गेंदबाज भी है। उसके साथ ईशान शर्मा नजर मारेंगे और खलील अहमद नजर मारेंगे, पिछले मुकाबले में आप लोग देखे थे कि चेन्नई को किस प्रकार से रन डाले थे खलील अहमद, जो कि रचिन रविंद्र को भाई साहब खड़ा तक कर दिए थे और बहुत बड़े विकेट भी, बहुत बड़े प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए थे खलील अहमद के बाद। हम सभी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर हम सभी को नजर मारेंगे कौन भाई साहब, मुकेश कुमार नजर मारेंगे, ये बनेगी दिल्ली कैपिटल्स की पूरी खतरनाक प्लेइंग 11। अभी बात कर लेते दोस्तों कोलकाता किंग राइडर्स केकेआर की प्लेइंग 11 क्या होगी। कोलकाता के प्लेइंग 11 हम सभी को शुरुआत करते हुए यानी ओपनिंग के तौर पर हम सभी को फिलिप शर्ट के साथ सुनील नारायण नजर मारेंगे, पिछले मुकाबले में किस प्रकार सुनील नारायण की बहुत बड़े विस्फोटक बल्लेबाजी और ओपनिंग के तौर पर हम सभी को नजर में आए थे, और सुनील नारायण फिलिप शर्ट अपनी बल्लेबाजी को लेकर आएंगे। तो नंबर 3 के ऊपर यानी टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं वेंकटेश अय्यर नजर आएंगे जो कि खूंखार गति से बल्लेबाजी करते हैं, बात आप लोग जानते हैं। तो वेंकटेश अय्यर हम सभी को निश्चित तौर पर टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के प्लेइंग 11 नजर आएंगे। तो उसके साथ प्लेइंग 11 के अंदर चौथे स्थान पर मध्यक्रम के पायदान पर हम सभी को कप्तान नजर आएंगे ऋषभ पंत नजर आएंगे, और अपने पुराना अंदाज में बल्लेबाजी करके सबकी दिल में राज करेंगे और लंबी पारी खेलकर अपनी टीम को भी जिताएंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके साथ हम सभी को नंबर 5 के ऊपर नजर आएंगे ना नीतीश राणा नजर आएंगे जो कि बहुत देर बल्लेबाजी करते हैं, बात आप लोग जानते हो। नीतीश राणा के बाद प्लेइंग 11 के अंदर हम सभी को रिंकू सिंह नजर आएंगे जो कि खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, बात आप लोग जानते हो। रिंकू सिंह के बाद हम सभी को ऑलराउंडर के तौर पर नजर आएंगे कौन ना भाई से अंडर रसल नजर आएंगे जो कि खतरनाक फॉर्म से नजर मारिए, खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, ये बात आप लोग जानते हो अंडर रसल, और हम सभी को नजर मारेंगे निश्चित तौर पर प्लेइंग 11 के अंदर। तो उसके बाद हम सभी को अनुकूल रन नजर मारेंगे जो कि ऑलराउंड की भूमिका को निभाते हो, जो कि खतरनाक बल्लेबाजी के साथ बहुत बड़े गेंदबाजी भी करते हैं, और अनुकूल रन के बाद प्लेइंग 11 के अंदर मिचेल स्टार्क नजर मारेंगे जो कि बहुत बड़े गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उनकी पुराना अंदाज में वापसी करना जरूरी है और बहुत बड़ी बड़ी विकेट लेना भी जरूरी है कोलकाता के लिए। उसके साथ प्लेइंग 11 के अंदर हम सभी को हर्षित राणा नजर मारेंगे जो कि खतरनाक गेंदबाजी करते हैं, बात आप लोग जानते हो। उसके साथ प्लेइंग 11 के अंदर हम सभी को चेतन सकारिया और आप सभी को प्लेइंग 11 के अंदर कौन नजर आएंगे ना जो कि वरुण चक्रवर्ती नजर आएंगे जो कि बहुत बड़े गेंदबाजी करते हैं, ये बात आप लोग को जानते हो, और बहुत बड़े प्लेइंग 11 जो कि कोलकाता की है। तो दिल्ली और कोलकाता के अंदर ये मैच नंबर 16 खेला जाएगा विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम में अगर बात की जाए दोस्तों दोनों टीम के अंदर अगर प्लेइंग 11 तो बता चुके हो, लेकिन इसी पेज की अगर बात की जाए तो फास्ट बॉलर को ज्यादा सफलता मिल रहा है, तो हम लोग फास्ट बॉलर के ऊपर जाएंगे अगर आप लोग जाना चाहते हो तो फास्ट बॉलर को बहुत विकेट मिलता है। उसके साथ अगर बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता किंग राइडर्स के अंदर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो लास्ट 10 मैच की अगर बात की जाए तो दिल्ली ने भाई साहब
सात बार अपना चुके जीत और कोलकाता ने मात्र तीन बार। तो ऐसे में दिल्ली और कोलकाता की ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेंगे, आप लोगों नीचे कमेंट करके अपनी राय को जरूर दीजिएगा। ऐसे ही क्रिकेट की ताजा खबर के लिए, ताजा क्रिकेट की अपडेट्स के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।